एक छोटा सा बोर्ड रेड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था कि घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज़ज़िदा है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और इतनी ही मर्तबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रेगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना इजाजत है। वल्लाह खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शापर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेड़ी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े हुए थे। मैंने पैसे उसी में रख कर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जा हो, और शापर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। इफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए, देखा कि एक बारिश आदमी दाढ़ी आधी काली आधी सफेद रेड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहिब फल तो खत्म हो गया। नाम पूछा तो बोला खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पे बैठे थे, चाय आई। कहने लगा कि पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा कि अम्मा, तेरी तैमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं और तू मुझे कमरे से हिलने देती नहीं। कहती है तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही बता मैं क्या करूं। अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूँ, ना तू मूसा की माँ है, क्या करूँ। ये सुनकर अम्मा ने हांफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाकर अपने कमजोर हाथों का प्याला बनाया और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेड़ी वहीं छोड़कर आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है, वहाँ छोड़ आऊंगा तो कोई चोर सब कुछ ले जाएगा, आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा। कहने लगी, तू फजर को रेड़ी फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज्यादा बक बक नहीं कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई साहब, सुबह रेड़ी लगा जाता हूँ, शाम को लेके जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, ठेला थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते हैं, अक्सर तखमीना नफा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिख कर रख गई के अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुश्त पे लिखा था कि अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फोन करना, मैं घर से पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिज्क के साथ मौजूद होता है, ना अम्मा हिलने देती है ना अल्लाह रुकने देता है। अम्मा तो कहती है कि तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह खुद नीचे उतर आता है और बेच बाज जाता है। भाई वो सोना रब एक तो रज़ाक है और ऊपर से रिटेलर भी है, अल्लाह अल्लाह। आखिर में मुझे अपने बच्चों से कहना है कि अगर आप फारिग हों और अपने वालदेन को काम करते देखें तो फौरन उठकर उनकी मदद करें और उन्हें कहें कि अम्मी जान अब्बा जान लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर देखें दुनिया और आखिरत की कामयाबियां कैसे तुम्हारे कदम चूमती हैं इंशाअल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कर दीजिए, शायद किसी का भला हो जाए। कारीने इकराम, अगर आपने अभी तक हमारा पेज प्यारा इस्लाम लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक करके फॉलो कर दीजिए, ताकि हम ऐसी मजीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुँचाते रहे। जजाकल्ला खैरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।